अपन डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी अपनी कंप्लीट हो गई थी। आइसोमेरिज्म में एक छोटा सा करेक्शन है यार, छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप बताए थे आपको, वो मैंने बताया था दो टाइप का। एक्चुअल में वो दो टाइप कौन कौन से हैं, थोड़ा सा वहां पे करेक्शन है। एक आपके पास है कॉन्फ्यूगरेशनल, और एक आपके पास है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ्यूगरेशनल के दो टाइप होते हैं, एक आपके पास ज्योमेट्रिकल और एक आपके पास ऑप्टिकल। मैंने अपने आइसोमेरिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने कह दिया कि एक ज्योमेट्रिकल है एक ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल के दो टाइप बता दिए। वो थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, ये कॉन्फ्यूग्रेशनल है, सेकंड आपके पास कॉन्फॉर्मेशनल है। कॉन्फ्यूग्रेशनल जो है उसके टू टाइप्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल है ये ऑप्टिकल। तो ये स्टीरियो वाला तो पार्ट बाद में करेंगे, अभी अपने स्ट्रक्चरल वाला चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। करेक्शन है उसका, थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, और कोई बात नहीं। तो स्ट्रक्चरल की बात करें तो अपन डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मैंने अपन बात कर रहे थे कि क्या हो सकता है यहाँ पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा कंपाउंड का, और फॉर्मूला सेम रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिफरेंट जो है वो आपके पास क्या रहेंगे यहाँ पे, कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट। ये कल मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और उसके साथ साथ ये भी बताया था कि कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कि जैसे अल्कोहल ईथर आ गया तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, एसिड एस्टर आ गया तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, एल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड आ गया तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, नाइट्रो और नाइट्राइट आ गया तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ना, और एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो ये भी आपके पास क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। के साथ एक और है जो आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कौन कौन से, फिनोल बेंजाइल अल्कोहल, या यूं कह देता हूं एरोमेटिक अल्कोहल, एंड ईथर। एरोमेटिक ईथर ये भी क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सर कैसे, कि जैसे आपके पास फिनोल की बात करें, आपके पास ये आ गया OH और यहाँ पे आ गया आपके पास CH3, टू मिथाइल फिनोल। आपके पास ये आ गया, CH2OH बेंजाइल एल्कोहल, और आपके पास ये आ गया OCS3 यानी कि मिथॉक्सी बेंजीन। ये आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इनका फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है। यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे अल्कोहल है, और यहाँ पे क्या है आपके पास ईथर। यहाँ पे देखेंगे बेंजीन रिंग तीनों में है, सेम है। यहाँ OH एंड CH3 है, यहाँ पे CH2 एंड OH। सर सेम कैसे हुआ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो CH3 जुड़ेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों कंपाउंड में आपके पास क्या है, सेम। और नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर तीनों कंपाउंड में आपके पास सेम है तो वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, सेम। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहेगा, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं तो इसके कारण से इसको अपन क्या कह देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो तीनों ही आपस में क्या रहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तीन टाइप की आइसोमेरिज्म अपन ने पढ़ी है। एक अपने पास चेन आइसोमेरिज्म था,
एक पोजिशन था और एक आपके पास कौन सी थी, चेन थी, पोजिशन थी, फंक्शनल ग्रुप थी। तो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपके लिए कि दैट हाउ मेनी चेन एंड पोजिशन आइसोमर्स आर प्रेजेंट ऑफ पेंटेनॉल, हाउ मेनी चेन एंड पोजिशन आइसोमर्स आर प्रेजेंट ऑफ पेंटेनॉल। पेंटेनॉल के आपको चेन एंड पोजिशन आइसोमर्स बताने, पेंटेनॉल के आपको चेन एंड पोजिशन आइसोमर्स बताने कि कितने चेन और पोजिशन आइसोमर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। चेन और पोजिशन आइसोमर, पेंटेनॉल है CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेनॉल है ना। फिर देखिएगा CH3, CH2, CH, CH3, CH2OH। फर्स्ट वाला आपके पास क्या था, पेंटेनॉल था, पेंटेन वन ऑल। सेकंड आपके पास था 2-methyl-butane-1-ol। नेक्स्ट देखिएगा CH3CH2OH, यानी कि 2-2-dimethyl। थर्ड जो है वो आपके पास 2-2-dimethyl प्रोपेन वन ऑल। ये आपके पास तीन क्या हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे मेन कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 कार्बन की है, यहाँ पे 4 की है और यहाँ पे 3 की। अब बात करते हैं पोजीशन की, कि कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। CH3 CH2 CH2 CH CH3, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेन 2-ol। ये 1-ol था, ये आपके पास 2-ol, दोनों आपस में PI है, पोजीशन आइसोमर्स है। CH3 CH2 CH OH CH2 CH3, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पेंटेन 3-ol। फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स, फर्स्ट और ये जो फोर्थ है वो पोजीशन आइसोमर्स, फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो पोजीशन आइसोमर्स, फोर्थ और फिफ्थ है वो भी आपके पास क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट देखिएगा CH3 CH2 C CH3 OH CH3, आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2-methyl-butane-2-ol, 2-methyl-butane-2-ol आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और अगर नेक्स्ट एक और बात करें, ये आपके पास आ गया 3-methyl-butane-2-ol। तो ये ब्यूटेन वाले जो भी आ रहे हैं आपके पास, कि सेकंड वाला ब्यूटेन है, सिक्स्थ वाला ब्यूटेन है और सेवन्थ वाला ब्यूटेन है, ब्यूटेन वाले जितने भी आ रहे हैं वो आपके पास क्या होंगे कि सर वो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि सर सेकंड वाला और जो आपके पास सिक्स्थ है, सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन आइसोमर, सेकंड और सेवन्थ आपके पास पोजीशन आइसोमर, और सिक्स्थ और सेवन्थ भी आपके पास क्या रहेगा, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे जो है पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे 2-methyl-butane-2-ol, यहाँ पे क्या आ रहा है 3-methyl-butane-2-ol,
और यहाँ पे क्या आ रहा है, टू मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल आ रहा है, यहाँ पे वन ऑल, यहाँ पे आपके पास टू ऑल, यहाँ पे आपके पास टू ऑल, बट इन दोनों में जो पोजिशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो चेंज हो रही है, यहाँ सेकेंड नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, ये आपके पास क्या हो गए, चेन और पोजिशन आइसोमर्स बने। इसमें देख लीजिए कि इसमें कहीं बन सकता हो सी एच थ्री सी सी एच टू ओ एच में, तो इसका कार्बन की वैलेंस यहाँ इस कार्बन पे कभी भी ओ एच नहीं आ सकता, इस कार्बन पे ओ एच नहीं आ सकता, बिकॉज कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, फोर, और इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर आप यहाँ पे ओ एच लेके आओगे तो नंबरिंग यहाँ से कर दोगे वन टू थ्री, तो भी वो क्या हो जाएगा, टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन वन ऑल हो जाएगा। यहाँ पे लेके आओगे तो भी आपके पास प्रोपेन वन ऑल, यहाँ पे लेके आओगे तो भी आपके पास प्रोपेन वन ऑल, और यहाँ आप ला नहीं सकते, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर वैलेंसीज होती है कार्बन की, तो फोर की फोर यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट और सेकेंड जो है, मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट सेकेंड है वो सी आई है, फर्स्ट थर्ड है वो भी आपके पास सी आई है, चेन आइसोमर है, और सेकंड थर्ड है वो भी आपके पास क्या है, सी आई है, चेन आइसोमर। फर्स्ट सेकंड चेन आइसोमर, फर्स्ट थर्ड चेन आइसोमर, सेकंड थर्ड चेन आइसोमर। अब मैं अगर बात करूं ये सेकंड और जो फोर्थ है वो भी चेन आइसोमर है, बिकॉज ये ब्यूटेन वन ऑल है और यहाँ पे पेंटेन टू ऑल, ये भी आपके पास क्या है, आपके पास चेन आइसोमर होंगे। अब पोजिशन वाले कौन से हो जाएंगे, पेंटेन वन ऑल, पेंटेन टू ऑल पोजिशन आइसोमर, यानी कि पी आई, पेंटेन वन ऑल यहाँ आ रहा है फर्स्ट में, यहाँ क्या आ रहा है पेंटेन टू ऑल, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पोजिशन आइसोमर। पेंटेन वन ऑल और पेंटेन थ्री ऑल ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पोजिशन आइसोमर। ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन टू ऑल ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पोजिशन आइसोमर। यहाँ पे टू मिथाइल ब्यूटेन वन ऑल, यहाँ पे टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, यहाँ पे टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, यहाँ पे थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो दोनों आपस में क्या होंगे, पोजिशन आइसोमर। सेकंड और जो सेवंथ है वो भी आपस में क्या रहेंगे, पोजिशन आइसोमर रहेंगे। थर्ड का कोई पोजिशन आइसोमर बनेगा नहीं, बिकॉज थर्ड में आपके पास जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, और कहीं पे भी अगर आप OH ग्रुप ऐड करोगे, और कहीं पे भी आप अगर OH ग्रुप ऐड करोगे तो वहां से नंबरिंग से नेम जो है वो यही आ जाएगा, टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन वन ओर। ओके, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे आपको कह दिया कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ये है ब्यूटेन वन ओर, और इधर आपको दे दिया सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री, ये है आपके पास ब्यूटेन वन ओर, और ये आपके पास है इथोक्सी इथेन। दोनों में देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, फोर। ऑक्सीजन भी, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन भी दोनों में क्या है, सेम है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी दोनों में क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है और यहाँ पे आपके पास कौन सा है, ईथर है, तो एक में आपके पास एल्कोहल आ गया, एक में आपके पास ईथर आ गया, तो दोनों क्या होंगे आपके पास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा इसका, सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, इसको आप क्या कहोगे, इसको अपन कहेंगे मिथोक्सी प्रोपेन। मिथोक्सी प्रोपेन, जैसे अगर आप इसको फर्स्ट नंबर देते हो, इसको अगर आप सेकंड देते हो, इसको आप थर्ड देते हो, देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एफ जी, फर्स्ट एंड थर्ड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब यही मैं कह दूं कि सेकंड और थर्ड क्या होते हैं, तो सेकंड और थर्ड क्या होते हैं उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, कि सेकंड और थर्ड कौन से आइसोमर्स हैं।
बिकॉज एक आइसोमेरिज्म की एक और टर्म एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा सेकेंड और थर्ड। ऐसे अगर जैसे आप अगर सुपरफिशियली देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि दैट पोजिशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे तो ऑक्सीजन यहाँ बॉन्डेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद तीन कार्बन एटम आ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद दो कार्बन एटम आ रहे हैं, तो मतलब ऑक्सीजन की जो पोजिशन है वो चेंज हुई है। बट इस टाइप की आइसोमेरिज्म को अपन कुछ और नाम देंगे, तो अपन कभी इसको पोजिशन आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे। तो जो भी नेक्स्ट अपने पास आइसोमेरिज्म आएगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म। तो जो फर्स्ट और सेकंड की बात करें, तो फर्स्ट में अपने को पता है नंबर ऑफ कार्बन, और सेकंड में नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है। तो ओनली एंड फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ईथर ग्रुप आ गया। तो ये दोनों क्या होंगे, FGI होंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। इन दोनों की बात करें फर्स्ट और थर्ड की, तो ये भी आपस में क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर रहेंगे, FGI रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी क्या रह रहा है आपके पास कि यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ईथर। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास टाइप आता है आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या रहता है, एक आइसोमर जो होगा वो आपके पास रिंग के फॉर्म में रहेगा और दूसरा आइसोमर जो होगा वो चेन के फॉर्म में रहेगा। तो सर कैसे, जैसे देख लीजिए कि मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, ये आपके पास है साइक्लोब्यूटेन। अब इसी को अगर आपको चेन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास कितने रहेंगे इसके, सर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हाइड्रोजन कितने रहेंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 8। तो देखिएगा ऐसे ही अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है CH।